हाय फ्रेंड्स, मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। मॉर्निंग अपडेट में हम बात करेंगे आज सेंसेस के एक्सपायरी है तो कौन सी सेंसेस का कॉल एंड कौन सी सेंसेस का पुट के ऊपर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। साथ में हम निफ्टी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है। तो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट देखो, अभी तक जो है मिलीजुली संकेत दिखाई दे रहा है। यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और यूरोपियन मार्केट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, यानी कि मिलीजुली संकेत है। तो इसका बीच में जो गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे बिलोंग कर रहा है, फिलहाल अभी अभी गिफ्ट निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम आया है जो कि आपको 24,207 मिल रहा है और 71 पॉइंट पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये एक अच्छी संकेत है हमारे लिए कि फिर से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव हो रहा है। अब देखते हैं कि इंडियन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। देखिए, इससे पहले FISDIs क्या क्या है ये देख लेते हैं। देखो, पिछले दिन DIIs ने बाइंग किया था, FIIs ने सेल किया था। कल FIIs ने अच्छे खासा बाइंग किया, DIIs ने थोड़ा बहुत सेल किया। तो ये दोनों, हमेशा बोलता हूँ, दो जेब है। इस जेब से पैसा उस जेब में जाता है, उस जेब से पैसा इस जेब में जाता है। ओके, अब हमें बहुत अच्छा ग्रोथ कब मिलता है ना, जब मार्केट में दोनों मिलकर बाइंग करता है। जब मार्केट में FIIs और DIIs दोनों मिलकर बाइंग करता है, उस दिन हमारे को बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट में दिखते हुआ मिलता है। बट इसे बहुत कम दिन होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो 19 जून को, ओके 19 जून को दोनों मिलकर बहुत अच्छा बाइंग किया था, मार्केट को बहुत अच्छा रैली दिया था। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चेन कल का सेशन पे जिस जगह पे स्टेबल हुआ था, ये बहुत क्लियर है कि 24,000 को एक बेस घाटी बना लिया है। देखो, मैं कई बार आपसे डिस्कस किया हूं कि जब कोई रेजिस्टेंस होता है ना, स्ट्रांग रेजिस्टेंस को अगर फेस करना होगा तो यहां पे जाके ये थकेगा, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा ना तो यहां पे जाके ये कोई रुकेगा नहीं, एक SBC कैंडल बना के ये ब्रेकआउट देगा। ओके, तो कल का दिन पे हमें यही दिखता हुआ मिला कि 24,000 पे रुका नहीं है, इसे सडनली ब्रेक किया। तो एक अच्छा चीज है, अच्छा संकेत है। तो इसको बेस बनाते हुए जब तक मार्केट इसका ऊपर है तब तक हमें कोई डर नहीं है, बस इसको जब ब्रेक कर देगा तो फिर डरने वाला संकेत आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल सिनेरियो। ओके, अब मैं बात करूंगा कौन सी स्टॉक आज बेस्ट हो सकता है। तो स्टॉक के लिए बात करूं तो आपको मैं बताऊंगा, इन दो स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, इंडिया सीमेंट एंड अल्ट्राटेक। जो सीमेंट है तो इनमें क्या क्या है, अल्ट्राटेक ने बाय किया है 25% स्टेक इंडिया सीमेंट का, एक मेजर न्यूज है। तो अभी ये हमारा फुल टेक्निकल चार्ट है जो हम 10 डेज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समझाते हैं। आप अगर क्लास नहीं लिए अभी तक, अगर बिना क्लास करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप काफी खतरे में चल रहे हैं मेरे को लगता है। ओके, और ये मैं नहीं पूरा दुनिया बोलते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं कि कौन सी सेंसेक्स का और कौन सी निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो गाइज, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। और सर्कल ट्रेडर्स का टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आप नहीं ज्वाइन हुए तो फेक टेलीग्राम चैनल पे मत जुड़िएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक है वही ओनली ऑन हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा यूट्यूब वीडियो पोस्ट होता है, बाकी सारे जो है हमारे नाम पे जो लोगो दिखता है ये फेक चैनल है, मत फंसिएगा उसमें। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं कि इस कॉल एंड पुट को किस सही जगह पे आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 24,100 का कॉल के ऊपर ध्यान दिया हूँ जिसका ब्रेकआउट पॉइंट है आज 150। अगर ये 150 के ऊपर फिर से स्टेबल हो जाता है तो ही ये ऊपर जा पाएगा, अदरवाइज सडनली मॉर्निंग पे अगर एक गैप अप होकर फिर से इस रेंज पे आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग के अंदर एक गैप अप होकर फिर से इस रेंज पे आ जाता है तो हमें 150 से लेके और फर्स्टली जो सपोर्ट जोन रहेगा इसका वो रहेगा आपको 125। पहला स्टेज है इसका, जब यहां से डाउन होगा तो पहला स्टेज है 150 से लेके 125 तक ये स्टेज बनाएगा। अगर 25 से नीचे भी आ गया तो फिर से ये कहाँ आने की कोशिश करेगा, नियर अबाउट 100। ये दो सीढ़ी है जो 24,100 का कॉल का है। अगर 150 से ये डाउन आता है तब की बात है, 150 के ऊपर स्टेबल हो गया है तो फिर से हमारा बाइंग साइड एंड पोजिशन साइड और जा सकता है। पुट साइड की अगर बात करें तो पुट साइड जब तक ना 120 के ऊपर जा रहा है, कौन सी 23,900 का पुट, जब तक ना 120 के ऊपर जा रहा है तब तक बहुत अच्छा होकर हम काम नहीं करेंगे। 120 के ऊपर जाने से देखो यहाँ पे जो क्लियर लाइन आ रहा है वो आ रहा है आपको 2730 के आसपास, 2730 के आसपास का। ओके, तो ये लेवल है, इसके ऊपर अगर आएगा, इस जोन का आएगा तो यहाँ से लेके 140 तक का मोमेंटम मिल सकता है। हमें देखो दोनों साइड का व्यू बना के चलना है, जिस साइड में हमें चलेगा उस साइड में हमें बाइंग करना है, सपोर्ट देख के बाइंग करना है, ठीक है। तो मैंने सपोर्ट बहुत क्लियर कर दिया कॉल साइड का सपोर्ट समझ लीजिए बहुत अच्छा से, ठीक है। ये है बहुत क्लियरली प्राइस एक्शन सपोर्ट, कहाँ पे जा रहा है, नियर आप 100। बाय द वे 100 में मौका मिल गया पूरा दिन में,
तो यहां से आपको 10-20% का टारगेट आपको मिल सकता है। सेंसेक्स अब आता है मेजर कि आज का एक्सपायरी है सेंसेक्स का। सेंसेक्स क्या खेल दिखाएगा, देखिए कल जो हमने बीटीएसटी कॉल दिया था काफी रिक्सी होता है, बीटीएसटी कॉल हमेशा रिक्सी होता है, जो रिक्सी ट्रेडर है वही लेना चाहिए। तो अभी तक तो देखो गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट का पॉजिटिव दिख रहा है। अब इस पॉजिटिव रुझान में जैसे आपको 250 वगैरह प्राइस मिल जाता है तो फर्स्टली प्रॉफिट बुक कीजिएगा, 250-275 अगर मिल जाता है फर्स्ट मॉर्निंग पे, मुझे लगता है आपको बस ज्यादा लॉट है तो कुछ लॉट तो प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी लॉट को बहुत क्लियर 200 का नियर अबाउट बाइंग किया ना आपने, 150 के आसपास स्टॉप लॉस लगा देना। गाइस बाद में नहीं पूछना टेलीग्राम पे सर कहां पे स्टॉप लॉस लगाऊं कहां पे टारगेट लगाऊं, ठीक है। तो बीटीएसटी कॉल अगर ये 225 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो हमें अच्छा टारगेट मिलेगा, बहुत क्लियर है, बट फर्स्ट झटका हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का फर्स्ट झटका क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे पुट का बात करूंगा, इसका सिनेरियो मैं बहुत क्लियर बता दिया कि 125 के ऊपर स्टेबल होगा तो ही मुझे अच्छा दिखाएगा, बट इस जोन से लेके इसका बेस्ट सपोर्ट जोन जाता है सीधा नीचे आ जाओ 75। बाय द वे पूरा दिन पे आपको 75 का आसपास मिल जाता है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट बेस बना के बाउंस बैक होगा, अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट्स ऑल। ओके नेक्स्ट आता हूं मैं पुट साइड, 79,000 का पुट के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं कि जब तक नहीं 200 के ऊपर जा रहा है तब तक कुछ क्लियरिटी नहीं है, बट 200 के ऊपर स्टेबल करने के बाद 250 से लेकर नियर अबाउट 300 के पास तक भी आपको टारगेट मिल सकता है, बट 300 के ऊपर अगर स्टेबल हो जाएगा तो 350 फिर से एक बार रेंज आपको मिल जाएगा, 350 हो गया तो 400, ये चार सीढ़ी है आपको स्टेप बाय स्टेप, देखो कैसे आप स्टेप का फायदा उठाओगे, ठीक है। देखो ये जो वीडियो है मॉर्निंग अपडेट में मैं आपको इतनी क्लियरली सारी चीज समझा देता हूँ कि जिन लोग बिग टारगेट चाहते हो, मान लो 4 लॉट में है कि 10 लॉट है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करो, पूरा खाली मत कर दो, ओके पूरा खाली मत कर दो, जब भी ऊपर जाता है सपोर्ट में मिल गया तो बहुत अच्छा मक्खम सपोर्ट क्या है सेंसेस का, ये भी मैं डिस्कस कर दिया। चलो आज का अभी का वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये मॉर्निंग अपडेट वीडियो आपको सभी को अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो दोस्त देखने के बाद एक बार शेयर करो, एक बार लाइक करो, एक बार कमेंट करो, तो हमें अच्छा लगेगा ना, सुबह सुबह उठ के आप लोगों के लिए पूरा सेटअप समझ के स्टॉक कौन से अच्छा है ये समझ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।